Hey guys, this is me Achin Chawla and I'm back with another video. So, जो आज मैं sneaker review करने वाला हूँ, the most anticipated sneaker, these are the 700 V3 Alva. Okay, तो review start करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेट्स टेक आउट द स्नीकर्स. ओके, टू बी ऑनेस्ट, सीरियसली आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि आई डिडंट थॉट कि मुझे ये इतने पसंद आएंगे. एंड मेरे एक्सप्रेशन से पता लग रहा होगा कि मेरे को कितने पसंद आएंगे मैंने. ओके, तो साइड से स्टार्ट करते हैं. तो साइड में आप देखोगे तो मोनोफिलमेंट इंजीनियर्ड मैश अपर है, एंड आप देखोगे उसमें ग्रे पैटर्न बहुत बहुत सही लुक दे रहा है वो. एंड आप उसके ऊपर देखोगे तो RPU केज है जो इसको सपोर्ट करता है, एंड ये ग्लो करता है डार्क में, आप ऊपर फोटो देख सकते हो, और बहुत कूल लगता है. आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लैक मैश है जो इसको ब्रीदेबल बनाता है. चलो फ्रंट पे आते हैं. ये बाकी जो 700 V1 और V2 है उससे सिमिलर तो नहीं है, बट एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो जो टो बॉक्स है सिमिलर है, तो पर उसमें स्वेड मटेरियल में होता है और इसमें रबर मटेरियल में है. तो ऊपर जाओगे नियोप्रीन टांग है इसका. यहाँ आप साइड्स में देखोगे तो 3M है जो कि साइड से नहीं दिखता, बट ऊपर से आप देखोगे तो दिखेगा. वैसे आप देखोगे तो पूरी एक बूटी कंस्ट्रक्शन है, ये स्नग फिट आएगा इसका. तो ऑब्वियसली हाफ साइज आप सजेस्ट करूँगा मैं. यहाँ से पैडेड है तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मिडसोल यहाँ तक जा रहा है, और पीछे आप देखोगे तो एडिडास की ब्रांडिंग हो रही है. एंड नीचे जाते हैं तो नीचे आप देखोगे हेरिंग बोन कंस्ट्रक्शन है. इस वाले में बाकी यीज़ीज़ की तरह बूस्ट मटेरियल नहीं है, जिसकी वजह से आई थिंक सो इसका प्राइस उस हिसाब से उतना नहीं है जितना बाकी यीज़ीज़ का है. दैट्स अबाउट इट. ओवरऑल मुझे ये शूज़ बहुत पसंद आए. मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी टू बी ऑनेस्ट जब ये मेरे हाथ में आए, तो आई एम रियली लाइकिंग इट एंड इट्स रियली गुड. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है टू हिट द लाइक बटन एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय.